ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ ये कितना ज्यादा जो है सॉफ्ट और जूसी बना है। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको तंदूरी चिकन लेग बनाने की रेसिपी बताऊंगी। इसको मैं टू वे से बनाऊंगी, फ्राई पैन में भी बनाऊंगी और ओवन में भी बनाऊंगी। ये वाला मैंने ओवन में बनाया, इसको मैंने फ्राई पैन में बनाया। इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें, इसको बना लेते हैं। चिकन लेग ले लिए, इनको वाश करके इनको छानने में रख लिया था, इनका बटर निकल गया। बाद में इनको कट लगा लेंगे। योगर्ट ले लिया 7 टेबल स्पून, अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम ज़्यादा कर लें, 8 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। ये वाले इनके बीच में डलने वाले स्पाइस हैं, रेड चिली पाउडर 1/2 टेबल स्पून, पेपरिका पाउडर 2 टीस्पून, ये डालना बहुत ज़रूरी है। इसका जो है कोई टेस्ट नहीं होता, इसका सिर्फ कलर होता है। इसको कश्मीरी मिर्च और देगी मिर्च भी कहते हैं। ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, साल्ट 1/2 टेबल स्पून, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर 2 टीस्पून, दालचीनी का पाउडर 1/2 टीस्पून, बड़ी इलायची का पाउडर 1/2 टीस्पून। इनका इस्तेमाल कम करना है और ये डालना बहुत ज़रूरी है। कुकिंग ऑयल 1 टेबल स्पून, लहसुन की पेस्ट 2 टीस्पून, अदरक की पेस्ट 2 टीस्पून। ये फूड कलर ले लिए, रेड कलर और ऑरेंज कलर। तंदूरी चिकन रोस्ट बना रहे हैं, इसके बीच में ये दोनों कलर का इस्तेमाल ज़रूरी होता है। मैं हमेशा बगैर कलर के बनाती हूँ, फर्स्ट टाइम मैं कलर ऐड कर रही हूँ। अगर आपने कलर ऐड नहीं करना तो आप मत करें, ये कलर डालना ज़रूरी है। लेमन जूस ले लिए, चिकन को कट लगा लेते हैं, इनको डीप कट लगाने हैं ऐसे। बाकी सबको भी लगा लेते हैं। ये 7 लग गए और मैं 7 टेबल स्पून योगर्ट ले रही हूँ। एक लेग में 1 टेबल स्पून योगर्ट लगेगा। इसकी फर्स्ट मैरिनेशन कर लेते हैं। इसकी फर्स्ट मैरिनेशन में साल्ट डाल लेते हैं, लहसुन अदरक, लहसुन अदरक की जो है पेस्ट डाल ली है। ये लेमन जूस भी डाल लेते हैं। अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो आप जो है विनीगर डाल लें 2 टेबल स्पून। इनको मिक्स करना है। इनकी फर्स्ट मैरिनेशन करके इनको 10 से 15 मिनट्स रखना ज़रूरी है। फर्स्ट मैरिनेशन करने से चिकन जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनता है। 10 मिनट्स हो गए हैं, बाकी भी स्पाइस लगा लेते हैं इनको। इनके ऊपर फूड कलर डालें तो सारा जो फूड कलर है एक ही लेग को लग जाता है। एक अलग बर्तन में सारे स्पाइस डाल के मिक्स करके इस चिकन लेग को लगा लेंगे। योगर्ट डाल लेते हैं, कुकिंग ऑयल, ब्लैक पेपर, पेपरिका पाउडर, रेड चिली पाउडर, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, दालचीनी का पाउडर, बड़ी इलायची का पाउडर। बड़ी इलायची को ब्राउन कार्डमम भी कहते हैं। रेड कलर, ऑरेंज कलर। आप सिंपल रोस्ट बना रहे हैं तो रेड कलर और ऑरेंज कलर डालने की ज़रूरत नहीं है। इन सबको मिक्स कर लेते हैं कि इनकी अच्छी सी पेस्ट बन जाए। इसमें मैंने बहुत कम रेड और ऑरेंज कलर यूज़ किया। अगर आपने और कलर ऐड करना है तो आप कर लें। ये मिक्स हो गया, इसको चिकन लेग को लगा लेते हैं। इनको मिक्स करें। इतने अच्छे तरीके से लगाना है कि दोनों साइडें जो हैं इनकी कवर हो जाएं और ये जो कट हैं इनमें भी भर के डालना है इनको। ये लगा के 2 आवर के लिए इनको रख लेते हैं। आप चाहें तो सारी रात भी लगा के रख सकते हैं। सारी रात लगा के रखेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है ये टेस्टी बनता है। मसाला लगा के रखे हुए 2 आवर हो गए, इनको बना लेते हैं। आप इसको ओवन में भी बना सकते हैं, आप इसको फ्राई पैन में भी बना सकते हैं। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसको फ्राई पैन में बना लें। आपके पास बारबेक्यू है तो बारबेक्यू पे बना लें। कोलों की ग्रिल पे भी इसको बना सकते हैं।
ओवन में बना रहे हैं तो ओवन जो है प्री हीट कर लें 375 पे 40 मिनट्स के लिए इसको बेक कर लें। चले इसको बना लेते हैं। इसमें बना लेते हैं, हीट ऑन कर ली है। ये मसाला डाल दें। शुरू में हीट हाई रखनी है। स्टीम बनना शुरू हो गई है, हीट जो है मैं इसकी बिल्कुल लो कर लेती हूँ। इसमें पहले भी ऑयल डाला था तो ये जो है 1 टेबलस्पून ऑयल ले लेते हैं, ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। ऑयल भी इसके बीच में डाल लिया है। हीट हाई करके इसको 1 मिनट पका लिया, हीट लो करके इसको पका लेते हैं। 10 से 15 मिनट्स इसको पकाएंगे, इनकी वन साइड कुक हो जाए। जब इनकी वन साइड कुक हो जाएगी तो इनकी साइड चेंज कर लेंगे। इनको हिलाना भी है, ये जल ना जाए। आप जो है अपना टेम्परेचर खुद सेट कर लें, आपने कितनी देर पकाना है। इनको कवर करके लो हीट पे इनको पका लेते हैं। इनको ऐसे हिलाना है, अगर आप हिलाएंगे नहीं तो ये जल जाएगा। इनको ऐसे लेके जाएं। जितनी देर ये पक रहा है ओवन में भी बना लेते हैं, इसमें बना लेते हैं। ये लेग इसमें रखें। ये मसाला भी इनके ऊपर डाल लें और कट के अंदर डाल लें। इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ये चिकन लेग है और इसका टेम्परेचर है 375 और इसको 10 मिनट्स का टाइमर लगा लेते हैं। आपके पास जो भी ओवन है आप उसमें बना लें। इसको चिकन लेग पे सेट कर लेते हैं और 10 मिनट्स का टाइमर लगा लेते हैं। इसको स्टार्ट कर लेते हैं। हो गया 10 मिनट्स का टाइम इनका। इनकी साइड जो है चेंज कर लेते हैं, दूसरी साइड से भी इनको पकाना है। अब जो है टेम्परेचर 5 मिनट्स का लगाना है, अब 10 मिनट्स नहीं करना। दूसरी साइड से भी इनको पका लेते हैं। 5 मिनट का टाइमर। ये रेडी हो गया, इसको निकाल लेते हैं। जो फ्राई पैन में रखा हुआ है उसको भी देख लेते हैं। इसका चिकन लेग का अपना भी काफी ज्यादा वाटर निकल आया है। इनकी साइड चेंज कर लेते हैं, इसे दूसरी साइड से भी पका लेते हैं। इनकी दोबारा साइड चेंज कर लें। इनको 5 मिनट पका लेते हैं तो ये रेडी है। ओवन में 15 मिनट्स में रेडी हुआ है तो फ्राई पैन में 20 मिनट्स में ये रेडी होगा। मैंने इसकी कुकिंग लो हीट पे की है, हाई हीट पे बिल्कुल भी नहीं करनी, ना मीडियम हीट पे करनी है, लो हीट पे करनी है वरना ये जल जाएगा। ये भी रेडी हो गया, इसको निकाल लेते हैं। इसमें ये देखें, इनके अंदर से बिल्कुल भी वाटर नहीं निकल रहा। अगर इसके बीच में वाटर होगा तो आपको और पकाना पड़ेगा। ये तो ओवन वाले हैं और ये फ्राई पैन वाले हैं, दोनों के कलर में फ़र्क है। ये ज़्यादा रेड बना है और इन पे कम कलर आया है। तंदूरी चिकन लेग बन के रेडी हो गए। आप अपने स्पाइस चिकन लेग अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर लें। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, खुदा हाफिज़।